गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मिशन 50 के करेक्ट अफेयर के बेहतरीन सीरीज में आपका स्वागत है। लगातार हम लोग बेहतर करंट अफेयर के साथ आपके सामने आते हैं। आज फिर से बेहतर करंट अफेयर आपके सामने लेकर आया हूं, और ऐसा मैं आशा करता हूं यदि अब आप पेपर लगाते होंगे, यदि अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे, तो करंट अफेयर का सवाल आपसे अब बनता होगा। यदि हमारे सीरीज को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आप सब करंट अफेयर सॉल्व होता होगा, ये ऐसा मुझे लगता है। चलिए तो लगातार सब लोग जुड़ जाइए। रुपेश जी, अनामिका, नेहा, संजना, निशांत जी, अजीत कुमार, रणधीर पांडे जी, विकास कुमार जी, सबको गुड इवनिंग। चंदा कुमारी, गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए सेशन को अपने अपने ग्रुप में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी ग्रुप में सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। आज के सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट। आज का करंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास दिनकर के एक पंक्ति से। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल कहां चले, मस्ती का आलम जहां चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। तो भैया मस्ती में खुश होकर पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करिए, निकलेगा। हर हाल में आपका पेपर होगा। कुल 2 महीने बचे हैं, रूटीन बनाकर अच्छे से पढ़ना है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री 1800 से 1947 तक, मॉडर्न में पूरा नहीं पढ़ना है, 1800 से 1947, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, कल आपको बताया गया है रंजीत सर के माध्यम से कि उसमें क्या पढ़ना है, उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो उसी को जितना बताया गया उतना केवल पढ़ लीजिए, प्लस हिस्ट्री में 1800 से 1947 तक, और उसके बाद करंट अफेयर का डेली सीरीज जो मैं चला रहा हूं, गारंटी देता हूं इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन बीपीएससी नहीं देगा। गारंटी देता हूं कि 32 सवाल आएगा तो 28-29 सवाल आपके हो जाएंगे कंफर्म, 32 भी हो सकते हैं।
अब करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते रहिए, और यदि आपको कुछ और सोर्सेज मिलते हैं तो उससे भी करंट पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि केवल मुझ पर डिपेंड रहिए, लेकिन अगर हम पर भी डिपेंड रहते तो घाटा नहीं होने वाला। तो लगातार पढ़ते रहिए, करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री, इन तीन सेक्शन को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। हम दावा करते हैं आपका सिलेक्शन होगा। एक दिन आएंगे तो मैं कुछ गेस अमेंडमेंट और कुछ गेस आर्टिकल लिखवा दूंगा पॉलिटी में, उसको भी कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन के साथ जुड़ जाइए। लगातार जुड़े रहिए, जुड़े रखिए। सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, आज का पहला करंट अफेयर केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई के लिए जो मंत्री है महाराष्ट्र में, उनका नाम है नारायण राणे। महाराष्ट्र में क्या है, मंत्री हैं। किसके? एमएसएमई मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र में? नारायण राणे। उन्होंने सिंधु दुर्ग में 200 करोड़ ले क्यों नहीं रहा, दूसरा भी लेने तो नहीं देगा। कोई बात नहीं है। देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सिंधु दुर्ग जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना नारायण राणे केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, उनका नाम है नारायण राणे। उन्होंने सिंधु दुर्ग जिले में, महाराष्ट्र में एक जिला है सिंधु दुर्ग, वहां एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहां की गई है? तो सिंधु दुर्ग जिले में। किसलिए की गई भाई? तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी केंद्र उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और क्षेत्र में नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए तथा कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी उष्मायान के साथ साथ सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में, सिंधु दुर्ग के क्षेत्र में ये जो सेंटर बन रहा है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, ये एमएसएमई को आगे बढ़ाने में, वहां के युवाओं को रोजगार देने में तथा कौशल प्रदान करने में अपना योगदान देगा। कौन देगा भैया? तो ये जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है? सिंधु दुर्ग जिले में। अभी भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन समूह में इंडस टावर में 4.7% की हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है। भारतीय एयरटेल ये आ क्यों नहीं रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, चलिए बताइए आप लोग क्या प्रॉब्लम है, वीडियो ठीक चल रहा है? बिल्कुल, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। सभी लोग लगातार जुड़े रहिए सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा पेन या मार्कर जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ले नहीं रहा है, तो सही है, कोई समस्या हो तो पूछिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। ये तीन सेक्शन पर जिसका पकड़ है वो व्यक्ति बीपीएससी का प्री में कभी फेल नहीं हो सकता। करंट, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री एकदम लिख लीजिए, कभी आप बीपीएससी में फेल नहीं कर सकते। बिहार स्पेशल यदि आपके पास है, बिहार स्पेशल की जानकारी यदि आपके पास है, तो बिहार स्पेशल की अगर आप कर लेते हैं साथ में तो आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री आप करिए इम्तियाज अहमद की किताब से,
बिहार स्पेशल में केवल मॉडर्न हिस्ट्री केवल करिए इम्तियाज अहमद वाले से, और बाकी सेक्शन आप केबीसी नैनो से कर सकते हैं। बाकी सेक्शन बिहार स्पेशल केबीसी नैनो से करिए, लेकिन हिस्ट्री वाला सेक्शन इम्तियाज अहमद से कर लीजिए। तो केबीसी नैनो बाकी के लिए, अब बाकी हिस्ट्री के लिए क्या करना है, इम्तियाज अहमद या फिर सृजन पब्लिकेशन का। अभी सृजन पब्लिकेशन का मार्केट में आया हुआ है बिहार स्पेशल कुछ मटेरियल, उसको ले सकते हैं आप। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर, बिहार स्पेशल करंट अफेयर हिस्ट्री, ये सब जो टॉपिक है बिहार स्पेशल करंट अफेयर हिस्ट्री साइंस, जिसका ये चार टॉपिक पे पकड़ होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, साइंस ही चौपट है मेरा, बिल्कुल। पिंकी कुमारी जी टेंशन नहीं लीजिए, किसी का कोई पहले से ठीक नहीं होता है। पिंकी पहले से कुछ भी किसी का ठीक नहीं होता, जिनको साइंस ठीक करना है। कल का रंजीत सर का वीडियो है, क्या पढ़ना है साइंस में, सर ने कल डिटेल में बताया है, बेहतरीन बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका पीडीएफ भी अगर चाहेंगे तो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। और कहां से पढ़े इसकी बात करेंगे तो केबीसी नैनो, जो जीएस वाली बुक आती है केबीसी नैनो की, कंप्लीट जीएस, उसमें से जितना साइंस दिया हुआ है वो पढ़िए, या फिर लूसेंट भी यदि आपके पास है, सामान्य ज्ञान वाली, सामान्य विज्ञान वाली नहीं बोल रहा हूं, सामान्य ज्ञान वाली जो लूसेंट है, उस लूसेंट में जितना साइंस दिया है उसको वहां से फाड़ लीजिए, पिन कर लीजिए और उसको अलग से पढ़िए। साइंस अगर ज्यादा खराब है तो नौवीं दसवीं का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, साइंस अगर अधिक खराब है तो नौवीं दसवीं का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा खराब है तो। आप साइंस के लिए लूसेंट में जितना, सामान्य ज्ञान में जितना साइंस दिया है, सुन लो पिंकी, जिनका भी कमजोर है सुन लो मेरे भाई, आप लोग अगर चाहते हैं साइंस बेहतर हो तो दो काम करो, मेरी बात मानो, दो काम करो। पहले तो रंजीत सर का जो वीडियो कल का आया है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसके बाद उससे पता चल जाएगा हमको पढ़ना क्या है। दूसरा पॉइंट, लूसेंट में से जो चैप्टर सर ने बताया है उस चैप्टर को जाकर पढ़ लेना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, घटना चक्र का प्रीवियस पेपर आता है स्पेशल साइंस का, उसको ले आइए और कोशिश कीजिए कि इन दो महीना में कम से कम 5 बार पढ़ जाएं, अधिक से अधिक 10 बार पढ़ जाएं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, मैं बोल तो दिया, लेकिन 3 बार जरूर पढ़ जाओ। साइंस वाला जो घटना चक्र का बुकलेट है उसको 3 बार पढ़ जाओ, रंजीत सर का वीडियो देखकर चैप्टर में टिक मार लो, लूसेंट में जो साइंस का चैप्टर टिक कर लो, और उस चैप्टर को क्या कर जाओ, कम से कम 3-4 बार पढ़ जाओ, उसको पढ़ जाओ, घटना चक्र लगा जाओ। मैं लिख के देता हूं, साइंस का एक सवाल नहीं छूटेगा। करंट अफेयर में जो करा रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, दिन भर कंप्यूटर पर बैठा रहता हूं तब आपके लिए करंट तैयार होता है। और मैं दावा करता हूं इधर जो करंट कराया हूं, एक प्रश्न कहीं भी छूटता नहीं होगा आपका। हम सबसे पहले 2 दिन बाद जो लोग पढ़ाते हैं, हम 2 दिन पहले करंट आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, सबसे लेटेस्ट, सबसे करंट, सबसे अपडेटेड मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं। तो करंट के लिए सोचना नहीं, साइंस जैसे बताए वैसे करते रहो। और हिस्ट्री में 1800 से 1947 तक, वो भी क्या गया, हिस्ट्री में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, कांग्रेस, सारे गवर्नर जनरल, जितना भी मैं बता रहा हूं, नागरिक आंदोलन, नागरिक आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, रोहलट सत्याग्रह, यानी गांधी जी के सारा सत्याग्रह, अहमदाबाद, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, फिर क्रांतिकारी आंदोलन कर लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में एक सवाल आपसे नहीं छूटेगा, जितना बताया हूं इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके नोट कर लीजिएगा। हिस्ट्री साइंस दोनों बता दिया, और तीसरा करंट अफेयर में करा रहा हूं। बाकी विषय को यदि आप एवरेज भी कर लीजिएगा तो आपका पीटी रुकने वाला नहीं है। और मैं एक दिन आऊंगा तो पॉलिटी में गेस अमेंडमेंट और गेस आर्टिकल लिखवा दूंगा कि कौन कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा अमेंडमेंट। बस लगातार सेशन से जुड़े रहिए और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। और कल का रंजीत सर का वीडियो साइंस के लिए जरूर देख लीजिएगा। तो भैया नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि भैया भारतीय एयरटेल, वोडाफोन के इंडस टावर में अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा
4.7% हिस्सेदारी खरीदेगा। 4.7 क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदा है, तो आंसर होगा 4.7%। नोट कर लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर है ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर ने एयरलाइन उद्योग के लिए क्या लॉन्च किया है, तो IATA पे क्या लॉन्च किया भैया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IATA। जैसे सुना होगा आपने फोन पे सुना है, गूगल पे सुना है भैया, पेमेंट गेटवे है। गूगल पे क्या है, पेमेंट गेटवे। यदि आपको ऑनलाइन 12 बजे रात में पैसा चाहिए तो कहां से भेजते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, भीम से, ये सब क्या है, अलग अलग पेमेंट गेटवे है। ये सब अलग अलग क्या है जी, पेमेंट गेटवे, जहां से गेट से निकलकर पैसा किसी और के पास चला जाता है, पेमेंट गेटवे है गूगल पे फोन पे। वैसे ही ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर ने एयरलाइन उद्योग के लिए, जो एयरलाइंस उद्योग है जैसे गो एयर, इंडिगो, ये सब क्या है भैया, एयरलाइन इंडस्ट्री है, इनके लिए एक स्पेशली पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है IATA पे। किस लिए भैया, एयरलाइंस में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसके लिए IATA पे, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, वैसे ही IATA पे किसके लिए, वर्ल्ड एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए कौन लॉन्च किया है, ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। आपने सुना होगा, आपने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक ने क्या किया भैया, एयरलाइंस उद्योग के लिए क्या लॉन्च किया है, IATA पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे। नोट कर लीजिएगा, बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं, सामने IATA का फिगर लगा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण करंट, ध्यान से जुड़े रहो, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आज से 3-4 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और हमला इतना जोरदार किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को त्राहिमाम करना पड़ा, फोन पर पुतिन से बात करने की कोशिश करनी पड़ी, हथियार पकड़ाना पड़ा, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को देश छोड़ने पर मना कर दिया गया और सबको हथियार दे दिया गया कि भैया लड़ो रूस से। इतना भयानक कंडीशन, हमारे देश के छात्र वहां फंस गए, यूक्रेन में मेडिकल के छात्र जो मेडिकल की तैयारी करते थे वही यूक्रेन में जाकर फंस गए। तो भाई भारत सरकार ने उनको भारत लाने के लिए, भारतीय छात्रों को यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। नोट कर लीजिए, ऑपरेशन गंगा, क्वेश्चन आ जाए, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया है, ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है, ऑपरेशन गंगा, क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किस लिए किया गया, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किस लिए किया गया मेरे भाई, तो यूक्रेन में फंसे युद्ध के दौर में, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। और भारतीय छात्र को कहां से लाया जा रहा है, रोमानिया से। उन छात्रों को पहले कहां बुलाया गया, रोमानिया, पड़ोसी देश है, यूक्रेन का पड़ोसी देश है रोमानिया, रोमानिया में बुलाया गया और वहीं से फ्लाइट के माध्यम से हमारे छात्र कहां आ गए, भारत आ गए। यानी क्वेश्चन आ जाए कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। और लिख लीजिए, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान से। अभी तालिबानियों ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो किस ऑपरेशन के तहत लाया गया भारतीयों को, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत COVID-19 में, कोरोना वायरस के काल में दुनिया भर में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए कौन सा मिशन, वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया भैया, तो वंदे भारत मिशन की शुरुआत दुनिया भर में कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए वंदे भारत। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति,
तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए देवी शक्ति और ऑपरेशन राह किस लिए? अमेरिका समेत 26 देशों ने भारत से मदद मांगी थी कोरोना काल में। अमेरिका समेत 26 देशों ने भारत से कुछ मदद मांगी थी, उसके लिए ऑपरेशन राह चलाया गया था। और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप जब आया था 2016 में, तो नेपाल के भूकंप की मदद के लिए, भूकंप पीड़ितों के मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। तो भैया याद कर लेना, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लाने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लाने के लिए, ऑपरेशन वंदे भारत ये पूरे दुनिया में COVID-19 के समय इंडियन को इंडिया लाने के लिए, ऑपरेशन राह अमेरिका समेत 26 देशों के मदद के लिए, और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के दौरान हुए नुकसान की मदद के लिए। तो भारत देश हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि बराबर के लेवल पे लोगों को मदद करता है। भारत हमेशा शांति का पैगाम भेजता है, भारत हमेशा सुलह कराने की कोशिश करता है, भारत हमेशा बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। अभी मोदी जी क्या बोले कि दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट आते हैं। मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम चीज आपके लिए डाल दिया जाए। अभी सरकार पड़ गई है LIC पर, LIC को भी क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। LIC के 20% हिस्सेदारी को सरकार ने क्या कर दिया, बेचने का ऐलान कर दिया है। LIC के 20% हिस्सेदारी को सरकार क्या करेगी भैया, FDI लाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 20% LIC के 20% हिस्सेदारी को सरकार बेचेगी। वैसे FDI की बात करें तो बीमा क्षेत्र में, बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर में कुल 74% FDI का इजाजत है। क्वेश्चन आ जाए कि बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में टोटल कितना FDI की इजाजत है भैया, 74%। LIC में कितना लाया गया, 20%। LIC में 20% हिस्सेदारी, 20% FDI की परमिशन अभी सरकार ने दिया है। और टोटल बीमा क्षेत्र में कितना FDI की इजाजत है भैया, 74%। क्वेश्चन आ सकता है BPSC में कि बीमा क्षेत्र में सरकार ने FDI की लिमिट कितना रखा है, 74%। LIC में कितना दिया, 20%। LIC में 20% और पूरे टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है, 74%। नोट कर लीजिएगा, टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है और LIC में कितना दिया गया है, 20%। LIC में 20%। चलिए अगला करंट पे देखते हैं हम लोग, अगला करंट अफेयर क्या है देखा जाए। बंबई हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2022 को संविधान के अनुच्छेद 21, हमेशा चर्चा में रहता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका और सुरक्षित इमारत में रहने के अधिकार के तहत भवन निर्माताओं को बेहतर घर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। भैया मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि जीने के अधिकार में ही रोजगार पाने का भी अधिकार है, जीने के अधिकार में ही सुरक्षित घर में रहने का अधिकार है। जो आप जानते हैं ना, जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोर्ट का कहना है कि जीने का अधिकार के साथ आजीविका रोजगार का भी अधिकार होना चाहिए, सुरक्षित घर में रहने का अधिकार होना चाहिए, साफ वातावरण में सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, साफ पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, भयमुक्त जीवन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में शामिल है। जीने के अधिकार में ही निजता का अधिकार शामिल है भैया। तो अनुच्छेद 21 जो कि फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 21 के तहत सबको क्या मिला है, जीने का अधिकार मिला है। तो बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई महाराष्ट्र में जितने भी बिल्डर हैं उन्हें लोगों को जर्जर इमारत नहीं देना चाहिए बल्कि ऐसा बिल्डिंग दे जिसमें सुरक्षित तरीके से लोग रह सकें। तो भाई सुरक्षित तरीके से जो रहने का अधिकार है वो किसको, हाईकोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित तरीके से रहने का अधिकार भी क्या है, जीने के अधिकार में
शामिल है। अतः बिल्डर महोदय, आप ऐसा मकान बनाइए जिससे लोगों को वहां सुरक्षित आवास मिल सके। अनुच्छेद 21 की चर्चा आया है करंट अफेयर में, तो हो सकता है आपसे पॉलिटी में पूछ भी ले। अनुच्छेद, आप जानते हैं कि जब संविधान बना तो कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला भैया, भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, राइट टू कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल मिला के 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। पहले 7वां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से 1978 में हटा दिया गया, और 1944वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में उसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। याद रखिएगा, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट, आजादी मिली तो 7, और उसी में स्वतंत्रता के अधिकार नहीं। अनुच्छेद कौन सा आता भैया? स्वतंत्रता के अधिकार नहीं आता है अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम में आता है कहां से? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है भैया? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में डबल जियोपार्डी, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, 21 में जीने की स्वतंत्रता, और 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस, बंदी बनाए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, अनुच्छेद 22। कभी फुर्सत मिला तो डिटेल में कराऊंगा। अभी बंबई हाईकोर्ट का आदेश याद रखिए, सुरक्षित भवन में रहने का अधिकार भी क्या है? क्या है भैया? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 21 में इनमें से क्या है क्या नहीं है, देगा अनुच्छेद 21 में क्या है? पहला ऑप्शन देगा जीने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन देगा साफ पानी पीने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन देगा साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, चौथा देगा निजता का अधिकार, और पांचवा दे देगा क्या? पांचवा दे देगा सुरक्षित भवन में रहने का अधिकार। अब लड़का जो करंट नहीं पढ़ा होगा, सुरक्षित भवन में रहने का अधिकार को मार देगा सही। तो मेरे भाई, इन सभी जो मैंने बोला, ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट ने भी और बंबई हाई कोर्ट ने भी सबको कहा रखा है जीने के अधिकार में, अनुच्छेद 21 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया ने भारत को चीता देने पर सहमति जता दी है। भारत में 1952 से ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जो चीता, चीता सुने होंगे, जंगली जीव है चीता, उसको 1952 में ही भारत सरकार ने विलुप्त घोषित कर दिया था। अब इस देश में नहीं था चीता। चीता लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया से क्या किया गया है? समझौता। नामीबिया कह दिया है कि ले जाइए हमारे देश से आप चीता, और उसको लाकर कहां रखा जाएगा? कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कहां है? मध्य प्रदेश के शिवपुर। नोटली शिवपुर नहीं, गलती से टाइप हो गया है, शिवपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला, कूनो पालपुर अभ्यारण्य। नोट कर लीजिए, नामीबिया से जो चीता भारत लाया जाएगा, नामीबिया से जो चीता भारत लाया जाएगा, उसे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहां है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, जहां चीता को नामीबिया से लाकर रखा जाएगा। नामीबिया की राजधानी, नामीबिया की राजधानी कहां है मेरे भाई? तो विंडहोक, नोट कर लो, विंडहोक। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल है। नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है मेरे भाई? तो कालाहारी, नोट कर लो, कालाहारी मरुस्थल, जहां बूसमैन जनजाति रहता है। बूसमैन जनजाति, नोट कर लीजिए, डिटेल में कहीं भी काम आ सकता है।
डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। सेशन बेहतर लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और लगातार सेशन को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। भैया नामीबिया से चीता लाया जाएगा, कहां रखा जाएगा? कूनो पालपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो पालपुर में रखा जाएगा। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक, नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है, कौन सा डेजर्ट है? तो कालाहारी डेजर्ट। वहां कौन सी जनजाति रहता है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है भैया। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। और एक चीज और याद कर लो, हाल ही में 2021 में ही मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, नोट कर लो बांधवगढ़, जहां हॉट एयर बैलून सफारी, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व जहां हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया गया है। और बिहार के कोसी नदी में, कोसी नदी में क्या भैया? बिहार के कोसी नदी में कोसी सफारी बनाया गया है। मैंने दो दिन पहले बताया था बिहार के कोसी नदी में यात्रा के लिए, नौका बिहार के लिए कोसी सफारी बनाया गया है। उसी तरह से हॉट एयर बैलून सफारी बनाने वाला भारत का एकमात्र और पहला टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहां है जी? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व ये भी कहां है भैया? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन भारत का पहला एकमात्र टाइगर रिजर्व जहां हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया गया है वो कहां है भैया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और चीता कहां लाया जा रहा है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। इतनी बातें याद रखो, भूलोगे नहीं। वैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व का ही नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है या मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है? पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहां है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में। तो लगातार सेशन से जुड़े रहो। आज का सेशन मार्वेलस, बेहतरीन, जानदार, शानदार और नजरदार होने वाला है। तो जल्दी से अपनी नजर बनाए रखो वरना नजरदार नहीं बन पाएगा। तो चलो भैया, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन, केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के जल संसाधन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने क्या लिया भैया? निर्णय लिया है कि पंजाब और हरियाणा को अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी। अभी तक क्या नाम था कि भाखड़ा नदी, भाखड़ा ब्यास, भाखड़ा ब्यास जो बांध है, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा ब्यास ये जो प्रबंधन बोर्ड आप देख रहे हैं ये किसका प्रबंधन करता है भैया? तो लिख लो भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध का प्रबंधन करता है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। इसमें हरियाणा और पंजाब के एक एक मेंबर होते थे स्थायी रूप से। अब केंद्र ने निर्णय लिया कि भैया इस बोर्ड में अब हरियाणा और पंजाब के लोगों का एंट्री नहीं होगा। स्थायी सदस्य के रूप में इसमें हरियाणा पंजाब के लोग एंट्री नहीं करेंगे। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड किसका मैनेजमेंट करता है? भाखड़ा नांगल बांध का। और मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो कहां है भैया? सतलज नदी, सतलज नदी और एक मिनट, सतलज नदी और ब्यास नदी, ये नदी है ब्यास, ये नदी है भैया ब्यास, ये नदी है सतलज, इन दोनों नदियों के संगम पर एक डैम बना हुआ है। इसी डैम का नाम है भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। नोट कर लीजिए, ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर क्या है भैया? भाखड़ा नांगल बांध है, नोट कर लीजिए। और इसका जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है, यहां से पंजाब हरियाणा के अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया गया है, नोट कर लीजिए इसको। और कहां पर है भाई भाखड़ा बांध? कहां पर है? तो ब्यास और सतलज के संगम पर है, ब्यास और सतलज के संगम पर है। अगले करंट अफेयर को चलते हम लोग। अगला करंट है बहुत बड़ा, अमेरिका और कनाडा ने
अमेरिका और कनाडा ने निर्णय लिया है कि अब ऐसे नहीं मानेंगे पुतिन अब ऐसे नहीं मानेंगे। रूस ने कहा है कि भैया आपने यूक्रेन पर जो हमला किया है, रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उस पर व्लादिमीर पुतिन पर क्या किया गया है, व्यक्तिगत प्रतिबंध। अमेरिका और कनाडा ने क्या कर दिया है, रूस का जो यूक्रेन पर हमला हुआ तो हमें पहले ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर, देश पर नहीं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी तरह से अमेरिका और कनाडा ने भी क्या कर दिया, इन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कहा कि आपके देश पर तो प्रतिबंध लगाए ही हैं, अब आप पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगाएंगे, रोक दीजिए हमला। लेकिन पुतिन ने कहा कि तुम प्रतिबंध लगा दो या हमसे रिश्ता तोड़ लो, हम छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन को। और भारत का, एशिया महादेश का रूस को समर्थन है भैया, होना चाहिए, क्योंकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला न करेगा तो नाटो अपना विस्तार यूक्रेन तक करेगा, बाद में उसका विस्तार एशिया तक होगा, और नाटो एक सैनिक संगठन है। अगर उसका विस्तार एशिया के सीमा तक हो गया, मिडिल एशिया तक हो गया, तो मान के चलिए कि भारत और चीन उसके सामने क्या होगा भैया, उसको अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर देगा। इसलिए यूक्रेन में ही, यूरोप में ही नाटो को रोकना जरूरी है। रूस का हमला का हम डायरेक्ट समर्थन तो नहीं कर सकते, भारत डायरेक्ट समर्थन तो नहीं करेगा, लेकिन अंदर अंदर भारत समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि भारत जानता है कि हमारा जो पूरा एशिया महादेश है उसकी सुरक्षा नाटो के हाथ में सुरक्षित नहीं है। नाटो आएगा तो अपना प्रभाव पूरे एशिया पर दिखा देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भारत का जब मुद्दा चीन ने जब भारत में गलवान घाटी में और उधर डोकलाम में जब चीन ने इंटर किया, उस समय दुनिया के देशों ने कभी खुलकर नहीं बोला कि चीन गलत कर रहा है। जब हमारे मुद्दे पर आप नहीं बोलते तो आपके मुद्दे पर हम क्यों बोले। दूसरी बात है यूक्रेन, तीसरा पॉइंट, यूक्रेन हमेशा यूएनओ में भारत का समर्थन नहीं किया है, विरोध में वोट किया है। तो भाई कभी भी मेरे लिए काम करते तो एक पॉइंट आता भी मन में कि चलो मदद कर देते हैं, बोल देते हैं पुतिन को कि छोड़ दीजिए। लेकिन कैसे बोले, न तुम हमारे पक्ष में बोले कभी। दूसरी बात, नाटो को रोकना जरूरी है, और तीसरी बात, भारत को भी अमेरिका रूस दोनों की जरूरत है, तो हम क्यों खुल के बोले। क्लियर है, आप जानते हैं कि हाल ही में निंदा प्रस्ताव लाया गया था पुतिन के खिलाफ, निंदा प्रस्ताव आया था यूएनओ में, जहां भारत, चीन और यूएई वोट देने नहीं गए थे। क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जो निंदा प्रस्ताव आया था उसमें किन किन देशों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, तो भारत, चीन और यूएई, इन तीन देशों ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। कितने देशों ने भाग लिया, तो 15 टोटल मेंबर हैं, तो 15 में से 3 ने भाग नहीं लिया, तो कितने लोगों ने भाग लिया, 11 लोगों में, 11 लोगों में से एक लोग मात्र ऐसे हैं जो रूस के फेवर में वोट किए, बाकी 10 के 10 रूस के विरोध में वोट किए, और एक लोग कौन थे, वो रूस स्वयं था। रूस ने अपने खिलाफ निंदा प्रस्ताव में क्या ला दिया, बिट्टो का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि अपने खिलाफ निंदा प्रस्ताव में कौन वोट करेगा भाई, वो क्या कर दिया, बिट्टो ला दिया, बाकी 10 ने क्या किया, रूस के विरोध में मतदान किया। तो याद रखिएगा, अभी निंदा प्रस्ताव जो आया है यूक्रेन के हमले के बाद रूस पर, तो किन देशों ने वोट नहीं किया, भारत ने, यूएई ने और चीन ने। क्यों वोट न करने का मतलब क्या होता है, तो पहचानाए नहीं भाई, दो आदमी लड़ रहे हैं, दोनों अपने आदमी हैं, तो लड़ाई माथा उठा फोड़ ले दीजिए, फिर जाके देख लेंगे अंतिम में, अरे टाइम नहीं था जी, ने तो आते जरूर, समझ आ रहे बात ना, तो करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं भाई, आगे आ जाओ, अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि हाल ही में किन दो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, तो कनाडा और अमेरिका ने, नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में, अब देखो मैंने कहा था आपसे कि अभी कोबरा वॉरियर एक एक्सरसाइज होने जा रहा है, 4-5 दिन पहले के करंट में बताया था कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक एक्सरसाइज होने जा रहा है कोबरा वॉरियर, जिसमें हमारे देश का कौन भाग ले रहा था, तेजस। मैंने बताया था 4-5 दिन पहले कि कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज होने जा रहा है इंग्लैंड में, भारत का तेजस वहां पर भाग लेने वाला था। वायुसेना का अभ्यास कोबरा वॉरियर
ब्रिटेन में हो रहा है, वहां भारत का तेजस हिस्सा लेने वाला था, भारत के वायुसेना पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन क्रीमिया पर जो रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसको देखते हुए भारत ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। यानी भारत अब कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग नहीं लेगा। नोट कर लीजिए भैया, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में इंडिया भाग लेने वाला था। इंडिया का प्लेन, इंडिया की वायुसेना और इंडिया का प्लेन तेजस उसमें हिस्सा लेने वाला था, लेकिन एकाएक भारत ने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया है। एक्सरसाइज तो होगा लेकिन उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने हाल ही में किस एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया है, तो बोलेंगे कोबरा बरियर युद्धाभ्यास, जो किसका था भैया, एयरफोर्स का था, इसमें भारत अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये कहां हो रहा है भैया, तो ब्रिटेन में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले करंट की ओर बढ़ते, देखो सामने ब्रिटेन का पिक मैंने दे दिया है। ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में होने वाला था कोबरा बरियर एक्सरसाइज। एक चीज आप लोग देख लीजिए, ये जो भाग है ब्रिटेन का, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का जो उत्तरी भाग है इसी को बोलते हैं स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं भैया, स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम का जो बीच वाला भाग है उसे बोलते हैं वेल्स, उसे क्या बोलते हैं भैया, वेल्स। और यूनाइटेड किंगडम का जो दक्षिणी भाग है उसे बोलते हैं इंग्लैंड। यानी यूनाइटेड किंगडम का जो तीन पार्ट है, कौन कौन, स्कॉटलैंड सबसे उत्तरी भाग को, यूनाइटेड किंगडम के सबसे नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, स्कॉटलैंड, बीच वाले को क्या बोलते हैं भैया, वेल्स, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। और ये उत्तरी आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, नोट कर लीजिए, नॉर्थ आयरलैंड। यानी पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम में कौन आता है, तो स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम। क्या बनता है मेरे भाई, यूनाइटेड किंगडम। नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम इज इक्वल टू स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी कहां है जी, लंदन, जिसकी राजधानी कहां है, लंदन। नोट कर लीजिएगा, इस फोटो का स्क्रीनशॉट ना हो तो ले लीजिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में और मैप को समझने में दिक्कत ना हो। लंदन पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, जो कौन से वाले भाग में है, स्कॉटलैंड में है या वेल्स में है या उत्तरी आयरलैंड में है, तो क्या आंसर दीजिएगा, इंग्लैंड में। लंदन जो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है वो किस भाग में है, इंग्लैंड वाले भाग में। और लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है मेरे भाई, तो टेम्स नदी के किनारे। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर कहा गया है कि गुजरात के जितने भी पुलिस थाने हैं, गुजरात के जितने भी पुलिस थाने हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी आदेश दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट कभी सलाह नहीं देता, कोर्ट हमेशा आदेश देता है। तो हाईकोर्ट, गुजरात के हाईकोर्ट ने अभी गुजरात सरकार को कहा है, गुजरात के हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि प्रत्येक थाने में क्या लगाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने वहां के सभी थानों में क्या लगाने का आदेश दिया है, सीसीटीवी कैमरा, तो गुजरात हाईकोर्ट। अगले करंट पे जाते हम लोग। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनेद कामेल, भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनेद कमाल अहमद, नोट कर लीजिए नाम, सामने इनका चित्र दे दिया हूं, जुनेद कमाल अहमद जी हैं जो विश्व बैंक का भारत में प्रमुख हैं। विश्व बैंक का जो इंडिया ब्रांच है, वर्ल्ड बैंक का जो इंडिया ब्रांच है उसके प्रमुख हैं जुनेद कमाल अहमद। उन्हें बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं मीगा, अंग्रेजी में लिख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है मीगा, वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है जिसका नाम है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नोट कर लीजिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एजेंसी का क्या बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, नोट कर लीजिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी,
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी किसका भाग है? किसका भाग है? वर्ल्ड बैंक का। यह भी किसका पाठ है मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक का एक पाठ है। अभी वर्तमान में विश्व बैंक का जो इंडिया हेड है, वर्ल्ड बैंक के जो इंडिया हेड है जुनेद कमाल अहमद, उन्हें वर्ल्ड बैंक के ही मीगा यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का क्या बनाया गया है? वाइस चीफ, उप प्रमुख बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसे IBRD के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक को IBRD, जुनेद कमाल अहमद का नाम याद रखिएगा, जुनेद कमाल अहमद का नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम। वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने मेंबर है जी? वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने मेंबर है नोट कर लो, 190 भूलना नहीं चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई? तो Washington DC, Washington DC, नोट कर लीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय Washington DC, मेंबर 190, और स्थापना कब हुआ? 1945 में। कब स्थापना हुआ? 1945 में स्थापना, 1945। नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मेंबर 190, हेडक्वार्टर Washington DC। पूरी बात याद कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अभी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जुनेद कमाल अहमद। और इन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तो वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD। कितने मेंबर? 190। हेडक्वार्टर कहां? Washington DC। और कब स्थापना हुआ? 1945। Washington DC किस नदी के किनारे है? जल्दी उत्तर दे दो। Washington DC किस नदी के किनारे है? जल्दी उत्तर दे दो मेरे भाई। Washington DC किस रिवर के किनारे है? Washington DC पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक नदी के किनारे है Washington DC। चलिए, सरकार ने अभी केंद्र सरकार के जो माइनिंग मिनिस्ट्री है, माइनिंग मिनिस्ट्री का मतलब खदान मंत्री, खनन मंत्री, 26 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के कोल इंडिया लिमिटेड सहित कोयला कंपनियों के द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए नीलामी की जगह, अब जो नीलामी प्रक्रिया होती थी ना, माइन का नीलामी किया जाता था, तो नीलामी की जगह साझा की काट दीजिएगा, साझा ई नीलामी विंडो के जरिए नीलामी प्रक्रिया पूरी करेगा। यानी पहले डायरेक्ट नीलामी होती थी, पहले कोल ब्लॉक, जो कोयला के ब्लॉक्स होते थे ना, उनकी नीलामी की जाती थी। भैया कंपनी आती थी, ये पूरा ब्लॉक खरीदती थी, बोली लगता था उसका, उसकी नीलामी होती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी, साझा, इसका नाम दिया गया साझा ई नीलामी, नोट कर लीजिएगा, साझा ई नीलामी। सरकार के द्वारा माइनिंग मिनिस्ट्री, खनन मंत्री, माइनिंग मंत्रालय के द्वारा, खनन मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से अब क्या की जाएगी? नीलामी की जाएगी। जो ऑक्शन होगा, जो बोली लगेगी, वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा फायदा कि लोग इसमें कभी कभी पैरवी और अप्रोच करके अपनी नीलामी को आगे कर लेते थे, अब ऑनलाइन नीलामी होगी तो सभी लोग इसको देखेंगे कि कौन कितना बोली लगाया है, यहां पर कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। यानी कोल इंडिया लिमिटेड और जितनी भी कंपनियां हैं कोयला से संबंधित, उनके ब्लॉक के नीलामी अब ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन तरीके से होगा। उसी का नाम दिया गया है साझा ई नीलामी प्रक्रिया। इसके तहत क्या होगा भैया? सारे कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। देखो सामने कोल इंडिया का चित्र मैंने दे दिया है, कोल इंडिया, समझ में आ गया? अब डायरेक्ट नीलामी की जगह क्या होगा? ई नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगा, ताकि सबको पता चले कि कौन कितना बोली लगाया है। तो चलो भैया आगे आते हैं। भारतीय मुक्केबाज नंदनी, भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर, भारतीय बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर नंदनी ने बुल्गारिया, बुल्गारिया एक देश है यूरोप में, यूरोप में एक देश है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी कहां है भैया? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जितने भी देश हैं, ये सब यूरोप में बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। बुल्गारिया बाल्कन कंट्री कहलाता है, बाल्कन देश कहलाता है,
बुल्गारिया कैसा देश है भैया? बाल्कन कंट्री। तो भारतीय मुक्केबाज नंदिनी ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 73वीं अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट, अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज नंदिनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। नोट कर लीजिए, नंदिनी ने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है 73rd अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट। यह याद रखना है, किसने जीता है भैया? नंदिनी ने। क्या जीता है भैया? ब्रॉन्ज मेडल। बुल्गारिया की राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी कहां है मेरे भाई? सोफिया, जो किसका देश है भैया? तो बाल्कन कंट्री है। कैसे है भैया? तो बाल्कन देश। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। अब बुल्गारिया किसका देश है भैया? बाल्कन कंट्री, जो यूरोप का हिस्सा है, जो यूरोप का हिस्सा है। सोफिया उसकी राजधानी है। और नंदिनी ने जीता है कांस्य पदक। देखो सामने नंदिनी, जिसने बुल्गारिया में अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट को जीता है कांस्य पदक, उनका पिक सामने दे दिया हूं। आगे आइए नेक्स्ट। अभी बुसू चैंपियनशिप, ये एक्चुअली ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजन किया जाता है मुक्केबाजी में, ये भी बॉक्सिंग में ही है, मुक्केबाजी में ही आयोजित किया जाता है मुक्केबाजी। भारत की सदिया तारीख, तारीख नहीं होगा यार, तारीख होगा, भारत की सदिया तारीख ने रूस के मॉस्को में बुसू चैंपियनशिप, रूस के मॉस्को में, पूछा जाए कि बुसू चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? बुसू चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया मेरे भाई? ये किया गया रूस की राजधानी मॉस्को में। उसमें भारत के सदिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है। बुसू चैंपियनशिप में भारत की सदिया तारिक, भारत की सदिया तारिक ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। 15 वर्षीय सदिया तारिक ने यह खिताब रूसी खिलाड़ी को हराकर जीता है। रूस के खिलाड़ी को हराकर सदिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? बुसू चैंपियनशिप। कहां आयोजित हुआ? रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे है? मस्कोवा। नोट कर लीजिए, रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे है। रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे है। देखो दो पॉइंट पूछेगा, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई कौन थी अगर बात करें तो मुक्केबाज, अभी बताओ नंदिनी कौन थी भैया? नंदिनी। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि नंदिनी और सदिया तारिक इनका संबंध किस खेल से है? डायरेक्ट ऐसे भी सवाल आ सकता है कि नंदिनी का संबंध किस खेल से है? नाम इतना अननोन है कि नंदिनी के बारे में बहुत कम लोग मार पाएंगे आंसर। नंदिनी नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं है, अगर ये पूछ लेगा तो बहुतों का आंसर गलती होगा। तो नंदिनी और सदिया तारिक, इन दोनों ने अभी मुक्केबाजी में पदक जीता है, तो पूछा जा सकता है कि नंदिनी का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी। सदिया तारिक का संबंध किससे है? मुक्केबाजी। नंदिनी ने 73वीं अस्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है और सदिया तारिक ने क्या जीता है? बुसू चैंपियनशिप जो मॉस्को में आयोजित हुआ था। नंदिनी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और सदिया तारिक ने जीता है गोल्ड मेडल। नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम कमाल करके रखा हुआ है, कमाल करके रखा हुआ है। 1000 वनडे खेलने वाली टीम कौन बन गई? भारत टीम। 1000 वनडे खेलने वाली टीम कौन बन गई? इंडियन क्रिकेट टीम। लगातार 9 T20 लगातार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम आ गया? किसके नाम आ गया मेरे भाई? भारतीय टीम। और पाकिस्तान के बाद 100 T20 मैच जीतने वाला देश, दूसरा देश कौन बन गया? भारत। अभी तक 100 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, अब 100 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड अब भारत के नाम भी आ गया। यानी तीन बार 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम भारतीय टीम, लगातार 9 T20 जीतने वाली टीम भारतीय टीम, और T20 मैच में 100 मैच को जीतने वाली, खेलने वाली नहीं, 100 T20 मैच जीतने वाली टीम दूसरी टीम बन गई दुनिया की, कौन? भारतीय टीम। पहली टीम कौन थी? पाकिस्तान। और रोहित शर्मा अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। रोहित शर्मा अब तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20, तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन बन गए? रोहित शर्मा। और T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति भी कौन बन गए?
ये भी एक जीके याद कर लो, मैंने दो दिन पहले बताया था T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन बन गए, रोहित शर्मा। इससे पहले T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के नाम था। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति रोहित शर्मा बन गए हैं। और रोहित शर्मा भारत के अब कंप्लीट कप्तान हो गए हैं भैया, टेस्ट वनडे एंड T20 के कप्तान कौन चुन लिए गए, रोहित शर्मा। जितनी बात बता रहा हूं नोट कर लेना, परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक एक शब्द हमारे मोती की तरह मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। मोती लूट लो, लुटा रहा हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला और कहीं नहीं होने वाला। चलो भैया, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2021-22, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2021-22 में पेट्रोल के उपयोग में मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। कल मैंने आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का कुछ पॉइंट बताया था, आज भी एक पॉइंट लिख लो। आर्थिक सर्वेक्षण जो भी पेश हुआ है बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ उसके अनुसार पेट्रोल के यूज के मामले में मुजफ्फरपुर और पूर्णिया प्रथम स्थान पर रहे। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया फर्स्ट रैंक पर रहा, किसमें भाई, किसमें रहा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पेट्रोल के यूज में। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर। 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल नहीं, नेशनल, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। इस बार इसका विषय क्या था, राइट टू प्रोटीन। देखो सामने मैंने दे दिया है, राइट टू प्रोटीन, राइट टू प्रोटीन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का थीम है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का विषय है क्या है भैया, राइट टू प्रोटीन। देख लो मेरे भाई, राइट टू प्रोटीन देख लो सामने। ये प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 13 फरवरी को मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 2 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। सारा दिवस आपको याद कर लेना है। और 27 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इस बार का थीम क्या है, राइट टू प्रोटीन, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं मेरे भाई, IIT मद्रास ने इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के सहयोग से IIT मद्रास ने पहली बार 2022 में क्या किया भैया, महासागर सम्मेलन का आयोजन किया है। पहली बार IIT मद्रास ने इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के मदद से क्या किया भैया, महासागर सम्मेलन का आयोजन किया है। और लिख लीजिए, इस सम्मेलन का थीम है, थीम नोट कर लीजिए, क्या है भाई, इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन। महासागर सम्मेलन भारत में किसके द्वारा अरेंज किया गया, IIT मद्रास किसके मदद से, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के मदद से भारत में क्या लाया गया भैया, कौन सी सम्मेलन की गई, महासागर सम्मेलन। उसका थीम इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन है। ध्यान रहे, अंतरराष्ट्रीय महासागर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, फ्रांस में, लेकिन राष्ट्रीय पहली बार राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन का आयोजन पहली बार हुआ है। IIT मद्रास और इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इनके सहयोग से पहली बार क्या किया गया मेरे भाई, पहली बार भारत में नेशनल लेवल पे महासागर सम्मेलन हुआ जिसका विषय है इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन। और दुनिया का अंतरराष्ट्रीय महासागर सम्मेलन कहां हुआ, इसको नोट कर लो, फ्रांस में हुआ है, जहां मोदी जी ने सभा का संबोधन किया था। देखो सामने दिया गया है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के मदद से IIT मद्रास ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। तो लगातार जुड़े रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो। मैं पूरी शिद्दत से करंट को निकाल कर आपके लिए लाऊंगा। आपके करंट
30 अप्रैल को जो आए हम चाहते हैं को हमारे नोट्स में से आए, हमारे वीडियो में से आए, और गारंटी है, वादा करता हूं, दावा करता हूं, यदि आप रिवीजन करते चलते हैं मेरे नोट्स का, मेरे इस करंट सीरीज का रिवीजन भी करते हैं तो लिख लीजिए आपको करंट में परास्त कोई नहीं करेगा, आप करंट में टॉपर होंगे। और जैसे जैसे मैं बताया हूं वीडियो की शुरुआत में, आज उन सभी चीजों को आप वैसे कवर कीजिए, आपका रिजल्ट को रोकने वाला नहीं है। अभी बिहार सरकार ने, बिहार सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने निर्णय लिया है कि भैया हम अपने राज्य में पक्षियों की जनगणना कराएंगे। बिहार ने पहली बार अपने राज्य के पक्षियों की, बर्ड्स की सेंसस कराने जा रहा है, जिसका रिपोर्ट कब आएगा? मार्च में, मार्च महीने में, अगले महीने यानी एक दिन दो दिन बाद मार्च महीना आ जाएगा। मार्च महीने में पक्षियों का रिपोर्ट आएगा कि बिहार में कौन कौन से पक्षी कितने मात्रा में है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है जी? गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी लिख लीजिए गोरैया। और दिल्ली का भी राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया यानी स्पैरो। दिल्ली का राजकीय पक्षी यानी कि ऑफिशियल बर्ड क्या है भैया? गोरैया। और बिहार का भी जो राजकीय पक्षी है यानी कि ऑफिशियल बर्ड है वो भी क्या भैया? गोरैया। अब पूरे भारत का नेशनल बर्ड क्या है? मोर। पूरे इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है भैया? पीकॉक, मोर। लेकिन बिहार का ऑफिशियल बर्ड, राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। दिल्ली का भी गोरैया, उत्तर प्रदेश का सारस। उत्तर प्रदेश वालों सुन लो, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस, बिहार का गोरैया, दिल्ली का गोरैया, पूरे भारत का मोर। भूलिएगा मत, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे आते मेरे भाई, पक्षियों की गणना अभी हाल ही में किस राज्य ने करवाया? बिहार ने। रिपोर्ट कब आएगा? मार्च में। और बिहार में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सा है? गोगा बिल। कहा नाम भैया? कटिहार का गोगा बिल। बिहार में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील का नाम है गोगा बिल। गोगा बिल कटिहार का एक झील है, कटिहार में स्थित एक लेक है जिसका नाम है गोगा बिल। गोगा बिल में पक्षियों का जमावड़ा होता है। नोट कर लीजिए, एक पुस्तक है द ग्रेट टेक गेम, किताब का नाम नोट कर लीजिए द ग्रेट टेक गेम। इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है द ग्रेट टेक गेम। नोट कर लीजिए, अनिरुद्ध सूरी का पुस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एग्जाम के लिए इस बार मील का पत्थर है मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण करंट अभी तक का पहला पौधा आधारित प्लांट बेस्ड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन पौधा आधारित। अभी तक जो वैक्सीन बना है वो जीव जंतु के लार्वा को लेकर बनाया गया है। पहली बार प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन को विकसित किया है कनाडा ने। नोट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम प्लांट से लेकर के मटेरियल को वैक्सीन विकसित किया गया है। प्लांट से मटेरियल को इकट्ठा करके वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? कनाडा। और कनाडा की राजधानी ओटावा, और हाल ही में इमरजेंसी लगाने वाला देश कौन बन गया? कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है भैया? जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने हाल ही में देश में क्या किया है भाई? 50 साल बाद इमरजेंसी की घोषणा की है, आपातकाल। 50 वर्ष बाद आपातकाल लगाने वाला हाल ही में देश कौन बना? कनाडा। और कनाडा की राजधानी ओटावा। और प्लांट बेस्ड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा। और दुनिया में कागज का उत्पादन सबसे ज्यादा कागज को उत्पादन करने वाला देश भी है कनाडा। पेपर प्रोडक्शन करने नंबर वन स्थान किसका है भैया? कनाडा का। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL का मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कृषि निर्यात नीति को, अच्छा ये तो इसी में दूसरा करंट भी है, हाल ही में कृषि निर्यात नीति को लागू किया किसने?
महाराष्ट्र राज्य ने जारी किया। क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, कृषि निर्यात नीति को किसने लागू किया है? ये महाराष्ट्र ने लागू किया है, नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने क्वेश्चन, इसमें दो करंट है शामिल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे को क्या बनाया है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और कृषि निर्यात नीति लागू अभी हाल ही में किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। और भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति कब लागू किया था? 2018 में। तो दो पॉइंट याद रखिए, अभी हाल ही में कृषि निर्यात नीति को किसने लागू किया? महाराष्ट्र। अभी भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति को कब लागू किया था? 2018 में। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कब लाया? 2018 में। और हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी कृषि निर्यात नीति कौन लाया है? तो महाराष्ट्र ने लाया है। और नितिन परांजपे बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट आइए, मनसुख मावड़िया जो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया, मावड़िया मावड़िया, नोट कर लीजिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने दोबारा इंडिया में राष्ट्रीय टीकाकरण, पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। भारत में पोलियो खत्म हो चुका था, भारत में पोलियो का अंत हो चुका था, लेकिन अब पोलियो के कुछ केसेज आए हैं इंडिया में, तो पोलियो से भारत को फिर से मुक्ति दिलाने के लिए भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और लिख लो, भारत को WHO ने पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 2014 में। नोट कर लीजिए, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में। नोट कर लीजिए, 2014 में इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, फिर भी दोबारा राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत अभी हाल में किया गया है। 2014 में इंडिया को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था। अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त से घोषित किया गया चीन को, चीन दुनिया का 40वां देश बना जो मलेरिया मुक्त हुआ। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया, और दुनिया का 40वां देश बन गया चीन जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसे रैबिज मुक्त घोषित किया गया? भारत का एकमात्र स्टेट जिसे रैबिज मुक्त घोषित किया गया वो कौन है भैया? गोवा। भारत का एकमात्र राज्य जिसे रैबिज मुक्त घोषित किया गया वो है गोवा। पहला अल्कोहल पार्क कहां बनाया गया? गोवा। हर एक घर में बिजली देने वाला राज्य कौन बन गया? गोवा। और एकमात्र राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एकमात्र राज्य जहां अनुच्छेद 44 लागू है, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा। रैबिज मुक्त होने वाला एकमात्र राज्य गोवा। हर एक घर में बिजली देने वाला एकमात्र राज्य गोवा। अल्कोहल पार्क बनाने वाला एकमात्र राज्य गोवा। नोट कर लो मेरे भाई, ये सभी गोवा है। और चीन दुनिया का 40वां देश बना जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में। और भारत को टीबी मुक्त कब तक बनाना है? 2025 तक। 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त घोषित कर देना है, टीबी मुक्त घोषित करना है। और इंडिया को $5 trillion की इकोनॉमी कब तक बनाना है? इंडिया को $5 trillion वाली इकोनॉमी कब तक बनाना है? 2025-26 तक। इंडिया को मोदी जी $5 trillion की इकोनॉमी कब तक बना देंगे? 2025-26 तक। और इंडिया अपना कार्बन उत्सर्जन को जीरो कब तक करेगा? 2070 तक। इंडिया अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो कब तक करेगा? ये सारी बात नोट करो, कब तक करेगा? 2070 तक। इंडिया पॉपुलेशन को कंट्रोल कब तक करेगा? 2072 तक। इंडिया अपने पॉपुलेशन को कब तक कंट्रोल करेगा? सब लिमिट लिखो। इंडिया अपने पॉपुलेशन को कब तक कंट्रोल करेगा? 2072 तक। इंडिया अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो करेगा, कार्बन इमिशन को जीरो करेगा 2070 तक। यह सब नोट कर लीजिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। $5 trillion का इकोनॉमी कब तक बनेगा? 2025-26 तक। टीबी मुक्त कब होगा? 2025 तक। ये सारे टारगेटेड को आप लोग नोट कर लीजिए, इससे बेहतर
कहीं नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। आगे आइए मेरे भाई, अगला करंट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सर्टिफिकेट विद सेल्फी अभियान शुरू किया है, सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है। सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री कौन है जी? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, नोट कर लीजिए। और सर्टिफिकेट विद सेल्फी क्यों शुरू किया गया? क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि भैया हमें भी डिग्री लेना है, हमें भी पढ़ाई करनी है। तो जो लड़के डिग्री लेकर आएंगे उनके साथ बड़े बड़े अधिकारी मंत्री सेल्फी लेंगे, इससे क्या होगा, लोगों में मोटिवेशन बढ़ेगा हायर एजुकेशन के लिए। तो लोगों में हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेशन मिले उसके लिए सर्टिफिकेट विद सेल्फी अभियान कौन शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कब पड़ा? 2020 में। 2020 से पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम बदल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में 2020 में आई थी नई शिक्षा नीति, उसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसके सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई थी। और के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन, उनके सिफारिश पर आई है नई शिक्षा नीति, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और एमफिल के डिग्री को क्या कर दिया गया? समाप्त। नई शिक्षा नीति में एमफिल के डिग्री को खत्म कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं, नेक्स्ट आइए। 25 फरवरी 2022 को UEFA यानी कि यूनियन यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोप फुटबॉल, UEFA का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, UEFA का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा चैंपियन लीग फाइनल की मेजबानी कौन करने वाला था? रूस, यानी कि रूस अभी जो यूक्रेन पर हमला किया है, रूस जो यूक्रेन पर हमला किया है अब उसकी मेजबानी को क्या कर दी गई है? कैंसिल कर दी गई है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का फाइनल मैच कहां होने वाला था? रूस में। रूस को दिया गया था मेजबानी, लेकिन रूस को दंडित करते हुए यूरोप के लोगों ने क्या किया, इसकी मेजबानी को इससे छीन लिया। सजनारा बात बढ़िया तो किया, छीन लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, छीन लिया तो छीन लिया। अरे मेजबानी करवाते तो खर्चा बर्चा ही ना होता जी, छीन लो, ले जाओ जहां कराना है कराओ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन को, मारेंगे, बात खत्म है। नाटो घुसेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नाटो का विस्तार रोकना। देखो भारत का क्या पोजिशन, छोड़ दो एशिया के लिए सबसे बुरा बात क्या होगा जब एशिया के सीमा तक नाटो पहुंच जाएगा, इसको पहुंचने से सबको रोकना चाहिए। नाटो बड़ी खतरनाक चीज है, नाटो जो है उसमें कोई मानवता नहीं है, अमेरिका ने नाटो का स्थापना ही किया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, मतलब कि रूस से UEFA का जो फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल था उससे मेजबानी छीन ली गई है। नेक्स्ट आ जाओ, दीपक दास को सांख्यिकीय भौतिक यानी कि स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में, लिख लो, दीपक दास को स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पुरस्कार मिला है। नोट कर लीजिए, वोल्ट्जमैन पुरस्कार किसे मिला है? सांख्यिकीय भौतिकी स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में दीपक दास को क्या मिला है? वोल्ट्जमैन अवार्ड, बोल्टमैन पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिए, सामने दीपक दास का मैंने चित्र दे दिया है, दीपक दास जी को जो एक वैज्ञानिक है, सांख्यिकीय भौतिकी से इनका संबंध है, यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से इनका संबंध है, इन्हें बोल्टमैन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट लिखिए आगे, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए, अभी जानते हैं कि बांग्लादेश अपने आजादी का 2021 में 50वां वर्ष मनाया है, अपने आजादी का, बांग्लादेश को कब आजादी मिली? 1971 में। बांग्लादेश कब बना? 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1971 में एक नया देश आया जिसका नाम था बांग्लादेश, उसने 50 साल पूरे कर लिए।
बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने के अवसर पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट के रूप में कौन थे? नरेंद्र मोदी। चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं, बांग्लादेश की आजादी में भूमिका निभाने वाले बंगबंधु के नाम से किसे जानते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अभी मोदी जी 50 साल पूरे हो गए बांग्लादेश के बने हुए, उसके उपलक्ष्य में मोदी जी को निमंत्रण दे दिया था किसने? बांग्लादेश ने। उसमें मोदी जी गए थे और क्या किए थे भाई? अभी बांग्लादेशी छात्रों के लिए यानी उनका कहना था कि प्रत्येक साल 1000 बांग्लादेशी छात्र को क्या मिलेगा? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। भारत में बांग्लादेशी छात्रों को पढ़ने के लिए 1000 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा मोदी जी ने की थी। किस लिए? बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने 1000 बांग्लादेशी छात्रों को कहा है कि आप इंडिया में पढ़िएगा तो आपको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, तो चलिए लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन के साथ बने रहिए। बेहतरीन करंट आज होने वाला है, आज इतिहास बनने वाला है, बस लगातार जुड़े रहिए। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, VVI इस बार में आना है ये क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत यानी पहली अश्वेत महिला केतन जी ब्राउन जैक्सन, पहली अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला, पहली ब्लैकिस वोमेन कौन बनी है? केतन जी ब्राउन जैक्सन। सामने में इनका चित्र दिया है भैया, नोट कर लीजिए, पहली अश्वेत महिला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली, अमेरिका के फेडरल कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? पहली अश्वेत महिला केतन जी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिका के फेडरल कोर्ट में क्या बनी है? जज बनी है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। पटना पायलट, अभी पहली बार ऐसे बिहार हमेशा कबड्डी खेलने में आगे रहता है, कबड्डी बिहार के लोग खेलने में आगे रहते हैं, लेकिन पहली बार पटना पायलट जो हमेशा चैंपियन रहता था, कबड्डी का चैंपियन पटना पायलट रहता था, इसको इस बार दबंग दिल्ली ने हरा दिया है। दबंग दिल्ली पटना पायलट टीम है। बिहार की टीम का नाम क्या है जी? जैसे IPL होता है ना क्रिकेट में, जैसे IPL, वैसे ही प्रो कबड्डी लीग एक कबड्डी में होता है। अब भारत में कई सारे टीम है, कबड्डी के कई सारे टीम है, उसमें बिहार की टीम हमेशा जीतती रहती थी, लेकिन इस बार दिल्ली दबंग ने प्रो कबड्डी लीग 2022 में पटना पायलट को क्या कर दिया? हरा दिया है भैया। इस बार हमारे पटना पायलट कमाल नहीं कर पाए, दिल्ली के दबंगों ने कमाल दिखा दिया। ये प्रो कबड्डी लीग क्या है? जैसे IPL होता है क्रिकेट में, वैसे ही कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग होती है। इनके भी कई सारे टीम होते हैं, जैसे सुना होगा आपने गुजरात टाइटन, समझा रहा है बात ना, किंग्स इलेवन पंजाब, वैसे इनका भी टीम है पटना पायलट, दिल्ली दबंग। तो दिल्ली दबंग ने जीता है इस बार प्रो कबड्डी लीग। सामने में खुशी का इजहार करते हुए दिल्ली दबंग का चित्र मैंने दे दिया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगला करंट अफेयर है 8 दिसंबर 2021 को। ये थोड़ा सा पुराना करंट है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पूरा साल का करंट करना है। 8 दिसंबर 2021 को जारी किए गए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हाइब्रिड गाड़ियों के इस्तेमाल में पहले नंबर पे कौन है भैया? उत्तर प्रदेश। लिख लीजिए, हाइब्रिड वाहन के इस्तेमाल में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। हाइब्रिड वाहन के इस्तेमाल में सड़क परिवहन मंत्रालय, कौन है मंत्री? नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री और नागपुर से सांसद, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार हाइब्रिड व्हीकल के इस्तेमाल में प्रथम स्थान पे कौन है भैया? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे है दिल्ली और तीसरे स्थान पे कौन रहा? कर्नाटक। हाइब्रिड गाड़ी के इस्तेमाल में पहले स्थान पर
पहले स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन रहा? दिल्ली। और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कहां से सांसद है? नागपुर से। और नागपुर किस लिए फेमस है? संतरा के लिए। नागपुर संतरा के लिए फेमस है, नारंगी के लिए फेमस है, और आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का क्या है भैया? हेडक्वार्टर। आगे बढ़ो भैया, एक बुक और आ गया, एक किताब और आ गया। किताब का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, है ना, स्लम डॉग मिलियनेयर। एक मूवी बनी थी ना, स्लम डॉग मिलियनेयर, उसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था, आपको याद है? इस कहानी के बारे में, इस फिल्म के बारे में याद है भैया? स्लम डॉग मिलियनेयर। उसी तरह से एक किताब लिखी गई है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस किताब को लिखा है मिथिलेश तिवारी ने, और इसे अनूप जलोटा ने विमोचित किया है, अनूप जलोटा के हाथों से प्रकाशित करवाया गया है। लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, डार्क हॉर्स, आशा, जिस पर हम लोग आशा नहीं करते, ये बच्चा कुछ करेगा और वो कर जाता है, इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। उसी तरह का किताब लिखा गया उड़ान एक मजदूर बच्चे की। किसने लिखा? मिथिलेश तिवारी। किसने विमोचित किया? अनूप जलोटा। नोट कर लीजिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसका स्थापना 25 फरवरी को हुआ था 1952 में। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 25 फरवरी 1952 को हुआ था। इसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। नोट कर लीजिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना हुआ था 25 फरवरी, नोट कर लो, 1952, 25 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसने अपना अभी 70 एनुअल एनिवर्सरी, 17वां स्थापना दिवस मनाया है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट, अगला करंट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्री नहीं है भैया, राज्य गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री तो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री ये कौन है? श्री अमित शाह। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार के ही नित्यानंद राय हैं, बिहार के ही गृह राज्य मंत्री जोड़ लीजिए। नित्यानंद राय ने 25 फरवरी 2022 को, यानी 3 दिन पहले, नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का विमोचन किया है। क्वेश्चन आ जाए कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखो सामने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके अंदर काम करता है? गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके अंदर काम करता है जी? गृह मंत्रालय के अंदर। इसने अभी तीन बुक प्रकाशित किया है, जिसको किसने विमोचित किया? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। गृह राज्य मंत्री कौन है भैया? नित्यानंद राय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का विमोचन किया है। कितने पुस्तक? तीन पुस्तक का विमोचन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आगे आते हैं, नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर देखा जाए। 12वीं वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड अभी मिला है, नाम है एनुअल एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार। नोट कर लीजिए, एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार ये किसे दिया गया है भैया? सी डॉट ने कितने पुरस्कार जीते हैं? 3 पुरस्कार। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सी डॉट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसी को बोलते हैं सी डॉट। सी डॉट ने कितने पुरस्कार जीते? 3। किस किस क्षेत्र में जीते देखा जाए भैया? सामाजिक भलाई के लिए, तकनीकी के विकास में, लॉकडाउन प्रबंधन में, और अभिनव कोविड 19 में। अभिनव कोविड 19 के लिए, लॉकडाउन प्रबंधन के लिए, और सामाजिक भलाई के लिए, तकनीकी विकास के लिए सी डॉट को मिला है 3 पुरस्कार। एजिस ग्राहम बेल के तहत 3 पुरस्कार दिए गए हैं। एजिस ग्राहम बेल 3 पुरस्कार किसने दिया है? किसने दिया भैया? किसको दिया गया? सी डॉट को दिया गया है। किस किस सेक्टर में? सामाजिक भलाई के लिए जो तकनीकी डेवलप किया उसके लिए, लॉकडाउन के समय जो मैनेजमेंट किया उसके लिए, और अभिनव कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए निवारक उपाय बताया, इसके लिए सी डॉट को एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर। 2020-21 में
सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। देखो भाई, स्काई स्काई रूट एक कंपनी है, स्काई रूट एक कंपनी है, इसके द्वारा पूरे दुनिया के हवाई अड्डा बेस्ट एयरपोर्ट की सूची जारी की जाती है। उसमें पटना हवाई अड्डे को 88वां स्थान दिया गया है और पहला स्थान किसको दिया गया भैया, ये दिया गया है दोहा एयरपोर्ट। कतर की राजधानी है दोहा, कतर के दोहा एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। स्काई रूट द्वारा जारी एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में पटना एयरपोर्ट का रैंक कहवा है भैया 88वां और पहला स्थान कतर का जो दोहा, कतर की राजधानी है दोहा, दोहा एयरपोर्ट को मिला है पहला स्थान, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है भैया, सितंबर 2021 में पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट को विशाखापत्तनम में 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त मतलब डिकमीशन कर दिया गया। जब भी किसी हथियार को नेवी में, एयरफोर्स में और उसे आर्मी में शामिल करते हैं, इस बात को बोलते हैं अंग्रेजी में कमीशन होना। यदि उसको हटाते हैं तो उसे बोलते हैं डिकमीशन होना। तो सेवानिवृत्ति को रिटायरमेंट मत कर दीजिएगा, इसको डिकमीशन कहेंगे। तो भैया विशाखापत्तनम में जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट को विशाखापत्तनम में 32 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे सेवा में कब शामिल किया गया था, 1989 में। स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट को कब शामिल किया गया था, 1989 में। इसे हाल ही में अब क्या कर दिया गया, डिकमीशन कर दिया गया। सामने में उसका चित्र मैंने दे दिया है। तो मिसाइल कार्बेट जो पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट था, इसे क्या कर दिया गया, 22 वर्ष बाद इसे सेवानिवृत्त यानी डिकमीशन किया गया। पहली बार कब शामिल हुआ था, 1989 में। जब बात आई है विशाखापत्तनम की तो छोड़ेंगे नहीं। विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर पार्क कहां लगाया गया, विशाखापत्तनम में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में, और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क, ध्यान दो, तैरता हुआ पूछे तो विशाखापत्तनम, और तैरता हुआ हटा ले सबसे बड़ा सोलर पार्क तो गुजरात के कच्छ में, तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पार्क विशाखापत्तनम में। और अभी हाल ही में नौसेना का, नेवी का मिलन 2022 एक्सरसाइज कहां हुआ है, नेवी का मिलन 2022 एक्सरसाइज कहां हुआ है, विशाखापत्तनम में। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मिलन एक्सरसाइज अंडमान निकोबार में होता था, अभी तक नेवी का मिलन एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार में होता था, पहली बार इस साल विशाखापत्तनम में हो रहा है। अब विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क और पहला मिसाइल कार्बेट सिस्टम को विशाखापत्तनम में ही क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया। बस जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। लगातार और मेहनत करूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, और करंट के हड्डी हड्डी तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगा भैया, इस्तेमाल करो जा करके। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर इसका टेलीग्राम, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मिशन 50 आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उसके बाद डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर जो आईएएस हैं उनका भी टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला करंट अफेयर है भाई, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया गया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं मल्ल गणराज्य की राजधानी है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, महात्मा बुद्ध का निधन कहां हुआ था जी, कुशीनगर में, मल्ल गणराज्य। प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें मल्ल गणराज्य की राजधानी कहां थी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का निधन कहां हुआ, कुशीनगर। अब कुशीनगर हवाई अड्डा को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। कुशीनगर हवाई अड्डा को
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। कुशीनगर प्राचीन काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु कहां हुआ? तो भैया कुशीनगर में। और कुशीनगर में नोट कर लीजिए, यहां महापरिनिर्वाण मंदिर है। कुशीनगर में कौन सा मंदिर है जी? महापरिनिर्वाण मंदिर। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर के साथ साथ अंगुलीमाल का गुफा भी है। अंगुलीमाल का गुफा, अंगुलीमाल डाकू के बारे में सुना है ना, उसका गुफा कहां है भैया? उसका गुफा है कहां? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां है भैया? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहां हुआ? कुशीनगर में। और सरकार ने हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। अब बिहार में गया, बिहार के गया हवाई अड्डा क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। सुनो, कंपनी को भारत सरकार ने चार वर्गों में बांटा है। पहला महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न वन और उसके बाद मिनी रत्न टू। चार भाग में सरकार ने पीएसयू को, सरकार के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें चार भागों में बांटा है। सबसे बड़ा महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न टू, उसके बाद मिनी रत्न वन। ये चार भागों में कंपनी को बांटा गया है। सबसे बड़ा होगा महारत्न। अभी वर्तमान में इसको जब शामिल कर लिया गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला ले, तो टोटल कितना हो गया? 11। लिख लीजिए, टोटल वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया? 11। और नवरत्न कितने हो गए? नवरत्न हो गए 13। नोट कर लीजिए, वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मिलने के बाद कितना हो गया? महारत्न कितने हो गए? 11। महारत्न 11 और नवरत्न कितने हो गए भैया? 13। नवरत्न कितने हो गए? नवरत्न कंपनी की संख्या 13 और महारत्न की 11। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि भूलना मत। नेक्स्ट आ जाओ, अगला करंट अफेयर, और आज के सेशन का अंतिम करंट अफेयर, ध्यान से सुनना। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन को के इलाका में जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है उसे तीर्थ स्थल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मथुरा वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की जन्म स्थली और क्रीड़ा स्थली रही है, मथुरा और वृंदावन, ये टोटल इलाका है कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का, उसे तीर्थ स्थल घोषित किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा मथुरा में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में। और मथुरा में पेट्रोलियम का रिफाइनरी भी है, तो मथुरा वृंदावन के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया गया। मथुरा में सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में, मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। अब बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। अब बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ है जी? बरौनी। बिहार में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? बिरौनी। सबसे ज्यादा तापमान गया, सबसे कम तापमान गया, और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, और पेट्रोलियम रिफाइनरी बिहार में कहाँ है भाई? तो बरौनी। और यूपी में कहाँ है भाई? तो मथुरा। इतनी बातों को आप याद रखिए। कैसा लगा आज का सेशन? आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। और सेशन अच्छा लगा तो बगल में एक लाइक बटन होगा, लाइक बटन दबा दीजिए अच्छा लगा तो। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। यदि आपको कोई सुझाव देना हो, कल से एमसीक्यू भी होगा, कल से 20 एमसीक्यू इसी चैनल पे करंट अफेयर से पहले हम 20 एमसीक्यू लेकर आपके लिए आएंगे। तो एमसीक्यू भी कल से होना है 20, इसलिए डटे रहिए, जुड़े रहिए, आपके लिए वो सब करेंगे जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। बस आप लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम को।